आज सुजानगढ़ में ये जो जीत हुई है मनोज मेघवाल की, ये मनोज मेघवाल की जीत नहीं है, ये सुजानगढ़ की जनता की जीत है। और सुजानगढ़ की जनता को आज दोहरी जीत मिली है, सुजानगढ़ में मनोज मेघवाल को और हमारे ही सुजानगढ़ के ही निवासी भाई कुशाराम जी गोदारो को रतनगढ़ में जीत मिली है। ये हमारे सुजानगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छी और खुशी मिली है कि हम विधायक मनोज मेघवाल मतों से विजयी हो गए हैं। और कांग्रेस की जीत हुई है, अब की बार आपने देखा 93 के बाद कोई प्रत्याशी दो दफा नहीं जीता, अब की बार इन्होंने इतिहास को तो दोहरा दिया। 90 पहले 3 से पहले दो बार जीता, अब की बार लगातार 3 बार जीते हुए हैट्रिक पार्टी है। अब सुजानगढ़ की जनता ने प्रधान को प्रधानी पे के पोस्ट पे बरकरार रख दिया, विधायक को विधायक की पोस्ट पे बरकरार रख दिया। सुजानगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, मनोज मेघवाल विजय हुआ है, सभी सुजानगढ़ वासियों को बधाई। आज हमारे सुजानगढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी मनोज जी मेघवाल विधायक विजयी हुए हैं भारी मतों से। ये जीत जनता के आशीर्वाद के कारण मिली है और जनता का आशीर्वाद मनोज मेघवाल के द्वारा 2.5 साल में किए गए विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में और ज्यादा से ज्यादा सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करवाने की जीत है। मैं इसके लिए पूरे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और भाई मनोज मेघवाल को बधाई अर्पित करता हूं। देखते हैं जीत को। बहुत बढ़िया जीत हुई, सुबह से जीत का इंतजार था लेकिन 10,000 प्लस की उम्मीद थी, लेकिन चलो जीत तो जीत है, 2,000 से भी जीत हुई तो जीत हुई है सुजानगढ़ में कांग्रेस की। सुजानगढ़ के सभी वासियों को मनोज भाई की जीत का, सबको खुशी का इजहार करता हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं करता हूँ कि भाई मनोज ने यहाँ सुजानगढ़ में किसी ऐसे नेता को नहीं बुलाया जो सामने वाली पार्टियों ने बुलाया था, और हमारे भाई मनोज बहुत अच्छी तरह से मतदान किया और हमने वोट उनको दिया और हमारी वोट की मेहनत रंग लेके आई है और भाई मनोज को जिता के लेके आए हैं और इसकी खुशी हमें इतनी जाहिर है कि हमारे हौसले बुलंद हो रहे हैं। पीछे कांग्रेस में आया और कांग्रेस में जहाँ मैं भाषण दिया वहाँ स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस की निश्चित जीत है, आप चाहे सफेद कागज लेके आ जाओ उस पर मैं ऑटोग्राफ देता हूँ, कांग्रेस निश्चित जीतेगी। और जीतेगी भी नहीं, कांग्रेस मैट्रिक लगाएगी, पहले भवनलाल जी जीते उसके बाद में मनोज मेघवाल जीता उसके बाद में फिर से मनोज मेघवाल जीता है और ये हमारा हैट्रिक का चांस था और हैट्रिक लगी है।